चलिए वृश्चिक राशि वालों शुरुआत करते हैं आपके बारे में। आपकी मंगल प्रधान राशि है और इस साल के राजा जो है कौन है, मंगल है। तो देखते हैं वृश्चिक राशि वालों आपके लिए कैसा समय रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों बात करूं अगर मैं यहाँ पे आपके करियर के लिए, तो आपके करियर में थोड़ी नज़र लग सकती है। जी हाँ, वैसे भी आपका चंद्रमा नीच का होता है तो आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो नियमित रूप से अपने नज़र जो है वो आप उतारते रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए उपाय रहेगा कि हनुमान जी के चरणों को बिल्कुल भी ना छोड़िए। सैटरडे के दिन अगर आप हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं और उनके राइट कंधे का अगर आप सिंदूर नियमित रूप से लगाते हैं तो आपको नज़र चोट चपेट से ये आपको बचाएगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और मंगल ही इस साल के राजा हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बड़ा ही जबरदस्त जाने वाला है। साथ ही अगर मैं बात करूं लव एंड रिलेशनशिप की, लव एंड रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि यहाँ पे लव रिलेशनशिप में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग और खटपट होती हुई नजर आ रही है, जो आपके फेवर में नहीं जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जो है नियमित रूप से यदि बजरंग बाण करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी उन पर हावी नहीं होगी। ABP News आपको रखे आगे।